प्रदेश में मुख्य राजनीतिक दलों में भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गजों की साख इस बार के लोकसभा चुनाव में दांव पर लगी है। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय स्तर के नेता इस बार के लोकसभा चुनाव में खूब पसीना बहाते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से दिग्गज इस बार चुनाव मैदान में हैं, डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की 29 में से 9 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बड़े चेहरे चुनाव मैदान में उतरे हैं। राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी इस बार के चुनावी समर में हैं। सबसे पहले बात भाजपा के दिग्गजों की करें तो एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर अपनी उसी विदिशा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ से एमपी का मुख्यमंत्री बनने से पहले वो 5 बार सांसद चुने गए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक बार फिर अपनी परंपरागत सीट मंडला से चुनाव मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार को एक बार फिर पार्टी ने टीकमगढ़ से ही प्रत्याशी बनाया है। भाजपा से ही एक और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार भी गुना लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। वे पिछली बार गुना से ही कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव हारे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को पार्टी ने एक बार फिर खजुराहो से चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में रणनीति अपनाई थी कि बहुत सारे लोकसभा के जो सांसद थे उनको विधानसभा में टिकट दिया था और जो जीत गए थे उन्होंने सब इस्तीफे दे दिए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे दो सांसदों को टिकट दिया है जो विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है जातिगत समीकरण वाली रणनीति उस पर वो अमल कर रहे हैं टिकट वितरण में भी और पूरी ताकत इस बात पर झोंक रही है भारतीय जनता पार्टी कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीत सके। अगर बात कांग्रेस की करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भोपाल से चुनाव हारे एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस बार राजगढ़ से किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया रतलाम सीट से मैदान में हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के एकमात्र लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ इस बार भी छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से मैदान में हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके ओंकार सिंह मरकाम मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने मैदान में हैं, तो हाल में विधानसभा चुनाव हारे हुए और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल सीधी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए कांग्रेस ने बड़े साइकोलॉजिकल गेम खेला इसको और जो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि हमारे यहाँ हम विधायकों को लड़ा देते हैं, हम सांसदों को लड़ा देते हैं, हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता और कोई बड़े से भेद नहीं करता, पार्टी जो कहती है उसको लड़ना पड़ता है, ये बीजेपी ने एक इस्टेब्लिश किया था। कांग्रेस ने ये ब्रेक किया क्योंकि अक्सर कांग्रेस पर यह भी आरोप लगता था कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस बार चुनाव मैदान से भाग रहे हैं, ये प्रिंसिपल को ब्रेक किया। मध्य प्रदेश से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के ये सभी दिग्गज राज्य में पार्टी के स्टार प्रचारक भी बनाए गए हैं। वहीं कांग्रेस भी चुनावी रणनीति में इन बड़े नेताओं के अनुभव का फायदा ले रही है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने कई दिग्गजों की साख दांव पर लगा दी है। इनमें से कई दिग्गज तो ऐसे हैं जो पिछली बार का लोकसभा चुनाव हारे थे तो कुछ पिछली बार का विधानसभा चुनाव हारे हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार के आम चुनाव में क्या वो अपनी साख बचा पाते हैं या फिर नहीं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़ भोपाल।